हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के रेसिपी में हम बनाने वाले हैं दोस्तों प्याज और साबुत लाल मिर्च की चटनी। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सामग्री में लिया है दोस्तों प्याज और साबुत लाल मिर्च की चटनी बनाने के लिए 2 बड़े साइज का प्याज लिया है, जिनको मैंने छिलका हटा लिया है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारा मतलब 15 से 20 साबुत लाल मिर्च लिया, जिनको मैंने पानी में डाल करके रख दिए थे, इसलिए क्योंकि इसका हल्का सा तीखा पर कम हो जाए। प्याज को यहाँ पर हम मोटा मोटा पीस कट कर लेंगे दोनों प्याज को। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर आप डाल देते हैं हम 2 चम्मच तेल, जिसको हम पानी से निकाल करके और इसमें प्याज वाला में डाल देते हैं। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया दोस्तों, तब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर करके साबुत जीरा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच साबुत धनिया। तो अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर उड़द दाल धुली हुई है और कुछ चना का दाल है, तो इसको हम यहाँ पर हल्का सा भून लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं छोटी कटोरी से 1 कटोरी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने धो करके और इसको धूप में सुखा लिया था दोस्तों। अब इसको ये हल्का सा यहाँ पर भून गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ प्याज और लाल मिर्च। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर नमक डाल दिया है दोस्तों और इसको थोड़ा देर के लिए हम भून लेंगे। ये जो चटनी है प्याज और साबुत लाल मिर्च की, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इसको चावल रोटी के साथ 1 चम्मच से आधा चम्मच लेकर के खाएंगे तो खाने का स्वाद और बढ़ा देता है दोस्तों। तो अब इसमें मैं डाल रही दोस्तों 1 चम्मच ये बेसन है, ऑप्शनल है इसमें चटनी में बेसन डालना। तो इसको भी हम साथ में थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट तक इसको मैंने भून लिया है दोस्तों बेसन को प्याज के साथ। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्याज और साबुत लाल मिर्च ये सब मैंने निकाल लिया भून करके दोस्तों। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए पंखे की हवा के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको पीस लेंगे। तो अब हम चटनी को पीस लेते हैं दोस्तों। उसके पहले यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो भूनते वक्त हरा धनिया भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया एक छोटा वाला मिक्सी का जाल और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है दोस्तों। तो अब हम इसमें डाल करके और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चटनी को पीस लिया है दोस्तों, ये देखिए। चटनी में एक अच्छी सी तड़का लगा देते हैं, जो जरूरी है तड़का लगाना। तो यहाँ पर सेम कढ़ाई लिया है मैंने और यहाँ पर डाल देंगे 2 चम्मच और सरसों का तेल। अब इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच मैंने और साबुत जीरा लिया है तड़का में लगाने के लिए। तो जीरा यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ छोटी चम्मच से राय, इसको डाल देंगे इसमें। अब फिर इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर करके सफेद तिल। यहाँ पर राय और सफेद तिल को हल्का सा मैंने भून लिया है दोस्तों। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो तीखा बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने आंच को कर दिया है मीडियम लो में। और अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता बचा ली थी, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। और ये जो हमने चटनी पीस करके रेडी किया था ना, अब इसमें हम डाल देंगे तड़के में। तो यहाँ पर जो मिक्सी जाल में लगा हुआ है, इसको हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है और इसको धो करके अच्छे से इसी में डाल देंगे। अब ये जो चटनी है प्याज और साबुत लाल मिर्च का, इसको हम मीडियम लो आंच में ही 1 मिनट तक चलाते हुए इसको पका लेंगे। तो ये चटनी यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने और पका लिया है दोस्तों। और ये जो चटनी मैंने बनाई है प्याज की और साबुत लाल मिर्च की, ये बहुत जबरदस्त चटनी बनी हुई है। अब इसको मतलब चावल रोटी डोसा किसी के साथ भी खाएंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है ये चटनी। एक बार जरूर बना करके देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गर्मा गर्म आपको प्लेट में सर्व करके दिखा दिया है दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी प्याज और साबुत लाल मिर्च की चटनी बनकर के रेडी हो गया दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे हर एक नई वीडियो आपको आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों और फैमिली में दोस्तों। और कहाँ से बोल रहे हो वो भी कमेंट में कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।